निहंग सिखों की ताकत के बारे में आपने सुना ही होगा और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सिखों की इस वॉरियर कॉम की सबसे पसंदीदा ड्रिंक, जिसे बनाने में मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है लेकिन इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स और इतनी ताकत होती है कि इसके सामने मार्केट के सारे सप्लीमेंट्स फेल हैं। नाम होता है इस ड्रिंक का शरदाई और बनाने का तरीका होता है इसका बहुत ही बेहतरीन। तो अगर आपने आज से पहले कभी शरदाई बनते हुए नहीं देखी है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस शरदाई बनाने की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। इन्होंने कुंडी ले ली है, उसे अंदर से देखिए साफ किया है और सबसे पहले इसके अंदर ये डाल रहे हैं काजू। काजू डालने के बाद देखिए बादाम लिया है, बादाम डाला गया है और बादाम के बाद डाला जा रहा है मगज। मगज के बाद इन्होंने सौंफ डाली है इसके अंदर और सौंफ के बाद देखिए ये खसखस डाला जा रहा है। उसके बाद देखिए इन्होंने इसके अंदर काली मिर्च डाल दी है और काली मिर्च के बाद डाली जा रही है गुलाब की पत्तियां और उसके बाद इन्होंने इसमें डाली है हरी इलायची। ये सारी चीजें इस कुंडी में डालने के बाद ये जो हमारे निहंग सिंह जी है उन्होंने देखिए इसका सोटा उठाया है और आप साइज देखिए इसका, वजन सोचिए कितना होगा। इस इतने बड़े और भारी सोटे से कुंडी के अंदर जो चीजें ली हैं उन्हें घोटा जाएगा और ये घोटने का काम कोई 1-2 मिनट नहीं बल्कि आधे घंटे तक चलेगा। कोई 20 मिनट हो चुकी हैं और जो चीजें इस कुंडी के अंदर ली थी वो चीजें अब घुटते घुटते देखिए पेस्ट जैसी बन चुकी हैं, लेकिन अभी तो इसे और घोटा जाएगा। ये जो घोटने का काम है इसे करने में बड़े से बड़े पहलवान के पसीने छूट जाएं, लेकिन हमारे जो निहंग सिंह जी हैं पूरे दिन इस काम को करते हैं और बिल्कुल थकान का कोई नाम नहीं है। तो गाइस अभी आधा घंटा हो चुका है, अब ये पूरी तरीके से घोट लिया गया है और ड्राई फ्रूट्स और मसालों को घोटने के बाद जो अपना पेस्ट तैयार हुआ है उसे देखिए बाहर निकाला जा रहा है कपड़े के ऊपर। कुंडी में पानी डालकर जितना भी ये पेस्ट कुंडी में लगा था वो पानी भी देखिए अब इसी कपड़े में ले लिया है। इस कपड़े के चारों कोने पकड़ के ऊपर से बंद कर लिया है और इसे अब रख दिया है पानी से भरे हुए ड्रम के अंदर। कपड़े को बंद करते टाइम जो लिक्विड छनकर नीचे निकल गया था उसको भी इसी पानी के अंदर डाल दिया है और अब किया जा रहा है इस पेस्ट से न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने का काम। तो देखिए कपड़े के अंदर जो पेस्ट है उसे मसला जा रहा है, दबाया जा रहा है, पूरा निचोड़ा जा रहा है कि इसके अंदर जो भी ताकत है वो सारी निचोड़ के बाहर आ जाए और इस काम में भी पूरी ताकत लगा दी जाएगी कि इस पेस्ट के अंदर जो भी ताकत है वो सारी निचड़ जाए। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे उन सबकी जान तो निचड़ कर आ चुकी है पानी में और ये जो कपड़े के अंदर बच गया है ये वेस्टेज है जिसको फेंक दिया जाएगा। आपको लगा होगा कि शरदाई तैयार हो गई, लेकिन अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट्टे के अंदर से शक्कर ली जा रही है और वो पानी से भरे हुए एक और ड्रम के अंदर डाली जा रही है। ढेर सारी अपनी शक्कर ली जाएगी, इस पानी के ड्रम में डाल दी जाएगी और इसको भी यहाँ पे अच्छे से मिलाया जाएगा जिससे ये मीठा सा घोल तैयार हो जाए। और उसके बाद देखिएगा इस बर्फ की सिल्ली ली गई है और इसको अब यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए गए हैं और ये बर्फ के टुकड़े डाल दिए हैं इस पेटी के अंदर। उसके बाद देखिए पेटी के ऊपर कपड़ा लगाया गया है और कपड़ा लगाने के बाद दूध की बहुत बड़ी थैली ली है, उसे खोल के पूरा का पूरा दूध इसी के अंदर उल्टा जा रहा है। दूध के बाद देखिए जो अपना शक्कर का घोल तैयार किया था उसका भी पूरा का पूरा ड्रम इसी पेटी के अंदर उल्टा जा रहा है। उसके बाद देखिए दूध का एक और बड़ा सा पैकेट लिया है, वो भी इसी पेटी के अंदर खाली किया जा रहा है। और उसके बाद कपड़े से छानकर जो अपना लिक्विड तैयार किया था जिसके अंदर उन ड्राई फ्रूट्स और मसालों की सारी जान है वो भी देखिए इसी पेटी के अंदर उलट दिया गया है। उसके बाद एक बड़ा सा चमचा लेकर इस पेटी के अंदर इन सारी चीजों को देखिए हिला हिलाकर मिलाया जा रहा है और फिर एक जग की सहायता से इस तैयार शरदाई को बाहर निकाल के बर्तन में भरा जा रहा है। लेकिन ऐसे ही सर्व नहीं किया जाएगा, इसको सर्व करने से पहले लिया जाएगा गुरु का नाम। गुरु खालसा सिंह साहब जी को सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब का नाम लेने के बाद ये शरदाई लोगों को दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। मैं सारे दिन 8-9 लीटर जी पी लेना।